अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, और कैसे हैं आप लोग? कैसा मौसम है आपके, और आपके घर का मौसम कैसा है? आपकी सेहत कैसी है? कैसे हैं आप लोग? अच्छा, मैं एक बात बताती चलूँ। मुझे फ़ोन मेरे अजीज, मेरी बहनें, मेरे अजीज सब मुझे फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं, मुझे मशवरा देते हैं कि आप जो व्लॉग बनाइए तो उसमें ये बताती चलिए। तो मैं आपको जो आज का व्लॉग बनाना शुरू किया है मैंने, तो मैं आपको उसमें बताना चाह रही हूँ कि एक किसी ने मुझे ये बताया था कि वो उसको निमोनिया हुआ, निमोनिया के बाद उनको सांस की प्रॉब्लम हो गई। तो सांस की प्रॉब्लम से उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, रात में सोते सोते उठ जाते हैं। तो उसमें मैं एक उनको मशवरा दे रही थी, सौंफ और पानी 1 लीटर ले लें, सौंफ ले लें, सौंफ उसमें डाल दें। सौंफ डालने के बाद अच्छी तरह बॉईल करें, जब पानी हल्का ग्रीन हो जाए, जैसे कि पिस्ते के कलर का हो जाए पानी, तो उसमें आप टॉवल ऐसे रख के और उसमें आप स्टीम लें, इस तरह से स्टीम लें, इस तरह से स्टीम लें और टॉवल आपके सामने हो, तो उससे सांस की प्रॉब्लम जो है 60-70% जो है बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपको नींद तो आ सकेगी ना व्यूअर्स। ये बहुत है, और किसी को प्रॉब्लम थी भी मुझसे, तो उसने कहा था मेरा नाम नहीं शो करना। तो ये नाम के बारे से, और दूसरी प्रॉब्लम ये था कि हेयर ग्रो के लिए उसको प्रॉब्लम थी। तो हेयर ग्रो का ये है कि प्याज अगर अगर आप खाली लगाएंगे प्याज को, तो ग्रो तो होगा, बाल शाइनिंग नहीं आएगी। तो आप प्याज और एलोवेरा जेल जो नहीं है, अगर हो सके तो आप पेड़ से पेड़ लगा लें, आप गार्डनिंग तो करते होंगे, तो उसमें से एक गूदा उसका ले लें, और वीक में 2 टाइम आप उसको ऑलिव ऑयल नहीं, वो प्याज, अनियन और एलोवेरा, एलोवेरा को मिक्स करके अच्छी तरह से आप उसको फेंट लें, और उसके बाद इनको तमाम जड़ों से इस तरह से ऐसे से लगा लें। लगाने के बाद आप 1 घंटा रहने दें, उसके बाद करें, बाल माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रो होगा, ब्लैक भी होगा, और ब्लैक होने के साथ साथ आपका बाल जो है, अगर खाली आपने प्याज लगाया तो रूखे हो जाएंगे, लेकिन अगर उसी में आप एलोवेरा लगाएंगे तो ब्लैक भी होंगे, आप शाइनिंग भी होगी बाल में। ये वादा है मेरा। और जो बेटियां हमारी हमें पूछती हैं इस तरह से, उन्होंने कहा कि इस तरह से आप व्लॉग में अपने कहें, बता दें हमें, हमारा नाम ना शो करें, हमने अपनी दोनों बेटियों के लिए ये किया है। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप हमें मशवरे के साथ लेकर चलेंगी कि हमें व्लॉग में क्या बनाना है, और ज़रूर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला हम आपको बताएंगे। और बाल 2-3 तरह की चीज़ों से ग्रो होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। मगरिब का वक्त हो रहा है, तो मैं नमाज के लिए चलूँगी। आप लोगों से दुआओं की इल्तिजा है कि हम लोगों के लिए दुआ कीजिए, अपनी दुआओं में हमें हमा वक्त याद रखिए, क्योंकि हमा वक्त हम आपको याद रखते हैं। अल्लाह ताला हमारे हम वतनों को खुश खुर्रम रखे, और इस साल कोई बीमारी, कोई उनको गर्म हवा भी ना लगे। मैं बड़ी दुआओं के साथ आप लोगों के साथ रुख्सत लेती हूँ, मुझे उरूस अली को आप इजाज़त दीजिए, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। हमें अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।